कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गिवन दैट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन इज 890, 393 एंड 285.7। ठीक है, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दिया है किसका, मीथेन का। मीथेन की कंबस्शन एंथैल्पी दी है, ग्रेफाइट की दी है और हाइड्रोजन की दी है, तो कंबस्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही करना है और एक मोल ही बनना चाहिए। अब देखो ये CO2 प्लस वाटर मतलब एक मोल का ही कंबस्शन कर रहा है, फिर यहाँ CO2, फिर यहाँ H2O, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हाफ ले लो। रिएक्शन को बैलेंस भी रखना है, यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन चार एंड ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन टू और टू फोर, यहाँ ट्वाइस लगा दो, कार्बन एक एक ऑक्सीजन बैलेंस, सही बात है। ये गैस है, ये गैस है, यहाँ पर ये भी गैस है, ये गैस है, कार्बन सॉलिड, ये ग्रेफाइट लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड स्टेट, ये गैस है। तो यहाँ पर ये जो एंथैल्पी है कंबस्शन ऑफ मीथेन, मीथेन की एंथैल्पी 890.2, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 393.4, फिर उसके बाद अगली आ जाएगी 285.7। अब देखो ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है, मतलब ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो तीनों केस में माइनस आएगा। ठीक है, तो तीनों केस में यहाँ पर माइनस आने वाला है, क्योंकि तीनों एंथैल्पी रिलीज हो रही है, निकल रही है। अब हमें क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन क्या हो जाएगा, C प्लस ट्वाइस एच टू गिव्स सी एच फोर, तो कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस, हमें इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अभी देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पे चाहिए, और हमें CO2 एंड वाटर नहीं चाहिए। यहां पर C प्लस ट्वाइस एच टू गिव्स सी एच फोर, हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालना है। अब देखो मीथेन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो पहले इस पूरी इक्वेशन को माइनस करो। अच्छा, ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली इक्वेशन में, इसमें कहीं भी CO2 और वाटर नहीं दिख रहा, तो इन तीन इक्वेशन से, इन तीन इक्वेशन को प्लस या माइनस करके या मल्टीप्लाई करके हमें ये इक्वेशन लेके आनी है। अब देखो यहाँ पर ट्वाइस वाटर है, यहाँ पर सिंगल वाटर है, इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये पूरी तरह कैंसिल हो गया। अब ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, ये देखो ट्वाइस एच टू ये आ गया, कार्बन ये आ गया, और यहाँ पर ये देखो ट्वाइस ओ टू, और ये ओ टू प्लस ओ टू, ये भी ट्वाइस ओ टू, ये भी कैंसिल हो गया, और ये सी एच फोर लेफ्ट का राइट आ गया। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, जो हमने रिएक्शन के साथ किया है वही इनकी एंथैल्पी के साथ करना है। देखो हमने इन दो रिएक्शन, पहले इस रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई किया, तो इस रिएक्शन को मैंने ये याद, देखो यहाँ एंथैल्पी को भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तीनों माइनस इसलिए ले लिए क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, कंबस्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन, इसका माइनस ये है, अच्छा इसको माइनस किया, तो एक काम करो, इन दो रिएक्शन को मैंने ऐड करा था, तो इन दोनों की एंथैल्पी को भी ऐड करो, और माइनस इस रिएक्शन को माइनस किया था तो इसकी एंथैल्पी को माइनस करो। तो आपको सिर्फ अब कैलकुलेशन करनी है, माइनस 285.7 इंटू टू, माइनस 393.4 और माइनस, और फिर यहाँ पर माइनस 890.2। तो यहाँ ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 285 इंटू टू, माइनस 285.7 इंटू टू, माइनस 393.4 प्लस 890.2। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो अराउंड माइनस 74.6 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा।